आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 300 एलपीएस क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया गया। शहडोल संसद क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह के अथक प्रयास से पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में विगत वर्ष पूरे विश्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना काल की भयावहता को देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीज जिन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत हो गई एवं तीसरी लहर के आगाज को दृष्टिगत रखते हुए पीएम केयर फंड से लगभग 50 लाख रुपए की स्वीकृति कराकर अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ कराया गया। उक्त नवनिर्मित प्लांट का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं संगठन के द्वारा एवं फंड स्ट्रक्चर NHEI लाइट एवं जनरेटर NHM के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई एवं रिफिलिंग की होगी व्यवस्था। उक्त प्लांट के उद्घाटन समारोह में उपस्थित जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीडी सोनवानी द्वारा बताया गया कि यह ऑक्सीजन प्लांट पुष्पराजगढ़ क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो शहडोल क्षेत्र के सांसद के अथक प्रयास से संभव हो सका है, जो कि सराहनीय है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पुष्पराजगढ़ SDM अभिषेक चौधरी, BMO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, सोभई सिंह मंडल अध्यक्ष प्रमोद मरावी, रज्जू नेताम, राजेंद्र चतुर्वेदी, संसद प्रतिनिधि पप्पू चौकसे, मीडिया प्रभारी गजेंद्र रजक सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी पत्रकारगण उपस्थित रहे। पुष्पराजगढ़ से चेतन गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मेरे एक छोटे से आग्रह पर, निवेदन पर, उन्होंने आज ये PSA प्लांट यहाँ पे स्थापित करने की जो राशि उन्होंने स्वीकृत की, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जो सेकंड वेव में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मृत्यु हुई थी, उसमें हमें काफ़ी अब मदद मिलेगी। अगर कभी तीसरी लहर आती है, कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो अब हमें कहीं और से ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन लाने पर निर्भर न रहते हुए हमारा अपना ऑक्सीजन प्लांट है। और हेल्थ की टीम को भी बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे ज़िले में जो पहला ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ वो पुष्पराजगढ़ में हुआ है, और ये हमारा अपना ऑक्सीजन प्लांट है। इससे हम ऑक्सीजन अपने CHC को तो सप्लाई कर ही पाएंगे, और बाकी ज़िले में भी जब तक ऑक्सीजन प्लांट तैयार नहीं होते, यहाँ से हम ऑक्सीजन सिलेंडरों में भर के निःशुल्क भेज पाएंगे। और इसके साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है टीकाकरण महाअभियान भी चल रहा है, जिसे पुष्पराजगढ़ को 7,000 का टारगेट दिया गया है, और हम 42 केंद्र और उसके अलावा 10 मोबाइल टीम जो 38 पंचायतों को कवर करेगी। इस तरह से 70 पंचायतों को आज एक दिन में हम टच करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक अच्छा रिस्पांस भी रहा है। तो